हेलो गाइस वेलकम बैक टू चिल मेडिकोस यार तो यार ये अपनी नई सीरीज़ होने वाली है इसमें मैं आपको प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स पढ़ाऊंगा एर और क्या पढ़ाऊंगा और इनका मैं आपको मेटाबॉलिज्म पढ़ाने वाला हूँ ठीक है तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं यार प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स का जनरल देखेंगे पहले अपन ठीक है जनरल बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर जो भी चीज़ें क्लासिफिकेशन वो सारी चीज़ें देखेंगे ठीक है और फिर उसके बाद करेंगे अपन इनका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो नए यार तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपको पूरी बायोकेमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ और पूरा का पूरा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और लास्ट मैं अपन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की प्रैक्टिस भी करेंगे और अपन अपने एम सी क्यू की भी सॉल्व करेंगे जो यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं जो अपना आज का टॉपिक है ना वो है अपना मेनली प्रोटीनस ठीक है आज का जो अपना टॉपिक है वो है अपना मेनली प्रोटीन्स प्रोटीन्स अगर पढ़ना है अपने को बट जो अपना पूरा टोटल है ठीक है तो वो होता अपना प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स अमीनो एसिड्स मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊँगा अभी मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ आपको प्रोटीन्स ठीक है चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं यार अपन प्रोटीन्स आर मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने को पता है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें मोस्ट अबंडेंट क्लास होती है प्रोटीन्स की ठीक है प्रोटीन्स आर दी पॉल्यूमर ऑफ अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स होते हैं वो पॉलीमर होते हैं अमीनो एसिड्स के अपने को पता है बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं प्रोटीन बनाते हैं ठीक है ये अपना अपने को समझ में आता है फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स क्या होता है कैटलाइसिस मतलब कि प्रोटीन्स का एंजाइम क्या होते हैं प्रोटीनियस नेचर होते हैं वो करते हैं कैटेलाइसिस ठीक है ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट अपना कौन कराते जैसे मान के चलो कि अपना एलुमिन हो गया एलुमिन हो गया हीमोग्लोबिन हो गया दैट्स आर प्रोटीन्स ये प्रोटीन्स होते हैं ये क्या करवा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऐसे हीमोग्लोबिन हो गया वो ऑक्सीजन का करवाता है एलुमिन होता है वो बहुत सारे अपने सीरम में प्रोटीन्स होते हैं और भी चीज़ें होती हैं उनका ट्रांसपोर्ट करवाते हैं ठीक है फैट्स का ठीक है कंट्रैक्शन कंट्रैक्शन में क्या आता है अपना एक्टिन एंड मायोसिन जो फ्लायमेंट अपन ने पढ़े हैं फिजियोलॉजी में ठीक है वो क्या होते हैं प्रोटीन्स ही होते हैं ठीक है प्रोटेक्शन में यूज़ होता है ठीक है इनका और स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिक रेगुलेशन ठीक है इतना अपने को पता है अब आगे चलते हैं अपन अमीनो एसिड्स आर द मोनोमरिक यूनिट ऑफ ठीक है मोनोमरिक यूनिट और क्या बोल सकते हैं बिल्डिंग यूनिट्स या फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स बोल सकते हैं किसके प्रोटीन्स की और जो मतलब ब्लॉक्स बनते हैं ऐसे मान के चलो कि अमीनो एसिड है ऐसे मान के चलो कि यार अपन अगर घर बनाते हैं तो क्या होता है उसका बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होता है ब्रिक्स ठीक है ब्रिक्स होता है ऐसे ठीक है और यहाँ पे इसका क्या है भाई यहाँ पे अमीनो एसिड ब्रिक्स ठीक है अब क्या होता है अपनी ब्रिक्स काय से जोड़ती हैं यहाँ पास में सीमेंट से और यहाँ पे सीमेंट का काम कौन करेगा अपना कोवेलेंट लिंकेज ठीक है जिसका नाम क्या है यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड तो क्या करता है अमीनो एसिड्स को जोड़ती हैं पेप्टाइड लिंकेज और वो पॉलीमर का फॉर्म करती हैं और पॉलीमर बना के वो यू क्या हो जाता है अपना प्रोटीन्स ठीक है तो इतना अपने को समझ में आता है अब बात करते हैं अपन प्रोटीन्स की ठीक है नॉर्मली प्रोटीन्स को देखते हैं अपन यहाँ पे मैक्रो ठीक है मैक्रो मोलिक्यूल्स ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड ठीक है माइक्रो मतलब जो बड़े मोलिक्यूल्स होते हैं जिनमें ज़्यादा वेट होता है ठीक है उसमें क्या होता है एक और एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड्स की यूनिट होती हैं ठीक है थीखे? जो क्या करती हैं उनमें क्या होता है जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो लिंक्ड होते हैं अपनी पेप्टाइड्स वो तो अपने को पता है ठीक है ईच विथ आ करेक्ट्रिस्टिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है कि मान चलो कि अगर मेरे पास दो पॉलीपेप्टाइड की चेन थी तो दोनों की जो सीक्वेंस होगी यार वो क्या होगी वहाँ पे स्पेसिफिक रहती है ठीक है इतना अपने को समझ में आ गया अब इसके बाद करते हैं अपन मेनली प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन ठीक है अपन एक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो यार दे आर मोस्टली ठीक है कन्वीनियनली क्लासीफाई ऑन दी बेसिस ऑफ अपन इनको किस बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं ठीक है थीके? तो जो पहला बेसिस है वो है अपन फंक्शन के बेस पे प्रोटीन्स को क्लासीफाई करेंगे सेकेंड मोलिकुलर शेप के अकॉर्डिंग और थर्ड करेंगे अपन इसकी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग ठीक है तो यहाँ पे तीन चीज़ याद रख लो फंक्शन मोलिकुलर शेप एंड कंपोजिशन तो तीन के बेस पर अपने को यहाँ पे प्रोटीन्स को क्या करना है क्लासिफाई करना है तो चलो देखते हैं अब करते हैं अपन क्लासिफाई किसके बेस पे फंक्शन के बेस पे ठीक है तो उसमें पहला क्या आता है अपना कैटालाइटिक प्रोटीन ठीक है कैटालाइटिक मतलब कि जो कैटालाइसिस वगैरह करवा रहा हो ठीक है उसमें अपने क्या आएंगे एंजाइम्स एंजाइम्स में कौन कौन से हो सकते हैं ग्लूकोकाइनस डिहाइड्रोजिनिस ट्रांसअमिनिश कोई सा भी एंजाइम लिख देना ठीक है सिर्फ़ राइबोजाइम मत लिखना यार वो प्रोटीनिस नेचर नहीं होता ठीक है बट वो एंजाइम होता है बट प्रोटीन नेचर का नहीं होता राइबोजाइम ठीक है तो उसके अपन ट्रिक देता हूँ मैं आपको ट्रिक क्या है यहाँ पे गो डाउन ऑफ ट्री ठीक है गो डाउन ऑफ ट्री ठीक है तो अपने क्या करना है ग्लूकोकाइनिस करना है गो से याद ठीक है डाउन से याद करना है डिहाइड्रोजीनिस ठीक है और ट्रांसामीनेस करना अपने को ट्री से याद ठीक है इतना अपने को समझ आता है आगे चलते हैं आगे क्या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मतलब कि वो प्रोटीन्स जो क्या ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करवा रहे हैं ठीक है इसको अपने को याद करना है हेट से हेट ठीक है जो हेट का एच होगा वो स्टैंडर्ड किस करेगा हीमोग्लोबिन ठीक है हीमोग्लोबिन ऑफ अर्थ्रोसाइड ठीक है ये अपने को समझ आ गया और ए से क्या आएगा एपोलिपो प्रोटीन ठीक है कैरी क्या करते हैं लिपिड्स लिपिड्स कहाँ से ले आते हैं लीवर से अदर ऑर्गन्स तक ठीक है ये अपने को समझ में आ गया और देखो टी से क्या होगा अपना ट्रांसफेरिन ठीक है और ई से होगा क्या ई से मतलब आपको शरीरो प्लाज्मिन याद करना है जिसका शरीरो प्लाज्मिन का ई आता है इससे आप रिलेट कर लीजिए ठीक है ट्रांसफेरिन एंड शरीरो प्लाज्मिन ये क्या होते हैं सीरम प्रोटीन होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करवाते हैं किसको आयरन को एंड कॉपर को अपने को इतना याद रखना है यहाँ पे ठीक है आगे चलते हैं स्टोरेज प्रोटीन की बात करते हैं अपन ठीक है तो यार स्टोरेज प्रोटीन में कौन कौन सा आएगा अपने ठीक है एक तो आएगा एपोफेरेटीन ठीक है और दूसरा आता है मायोग्लोबिन जो एपोफेरेटीन रहता है ना वो क्या करवाता है आयरन स्टोर करवाता है मतलब आप ऐसा बोल सकते हो जो आयरन का स्टोरेज फॉर्म होता है वो एपोफेरेटीन होता है मैं आपको पढ़ाऊंगा जब आयरन का मेटाबोल से पढ़ाऊँगा ना तो वहाँ पर आपको ये चीज़ बताऊँगा ठीक है मायोग्लोबिन अपने को पता है कि ऑक्सीजन को स्टोर करके रखती है इसका है यार अपने को याद करने के लिए माँ से याद करना है ठीक है माँ मोम मम्मी ठीक है तो इससे याद करना है इसमें क्या होता है एम ए ठीक है तो एम मतलब माओग्लोबिन ठीक है और ए मतलब क्या होगा एपोफेरोटीन ठीक है इतना आता है जो फोर्थ होगा यार फोर्थ कौन सा अपना कंट्रेक्टाइल प्रोटीन कंट्रेक्टाइल प्रोटीन में क्या आएगा एक्टिन एंड मायोसिन अपने इसको फिजियोलॉजी में ना भर भर के पढ़ा हुआ है ठीक है ये तो आप भूलोगे नहीं कंट्रेक्टाइल प्रोटीन ठीक है इसका भी अपना का एग्जाम्पल है एम ए माँ ठीक है और जो फिफ्थ है यार वो है अपना स्ट्रक्चरल प्रोटीन ठीक है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स क्या होते हैं जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करवा रहे हो ठीक है वो प्रोटीन जो कोई स्ट्रक्चर बनवा रहे हो ठीक है जैसे कि मान चलो कार्टिलेज है यार ठीक है कार्टिलेज अपना क्या स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में आता है ठीक है फिर उसके बाद आगे बात करते हैं कॉलेजिन कॉलेजिन भी आता है कैरेटिन ठीक है कैरेटिन जो अपने नेल वगैरह होते हैं ठीक है अपने हेयर में होता है ठीक है जो फॉर्मेशन स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं ठीक है इसको आपको याद कैसे रखना है सी सी के से याद रखना है ठीक है ओलिकोसिस्टिक आइनिन नहीं है यार रहा है यहाँ पर सी सी के का मतलब यहाँ पे मतलब है सी सी के का क्या होगा कॉलेजिन ठीक है कार्टिलेज एंड कैरेटिन ठीक है सी सी के भी आपको ना अभी आएगा ठीक है अब देखते सिक्स के आप अपना डिफेंस प्रोटीन डिफेंस प्रोटीन में क्या क्या आ रहा है फिब्रीनोजिन ठीक है इम्यूनोग्लोबिन्स एंड थ्रोबिनस ठीक है इम्यूनोगलोबिन तो आप शांति हो डिफेंस में आता है फ़िब्रिनोज़िन भी डिफेंस में यूज़ होता है और थ्रोमिनस भी डिफेंस में यूज़ होते हैं इसको याद रखने का आपको कैसे एफ आई टी फिट ठीक है एफ आई टी फिट एफ मतलब होगा आपका फिबरिनोजिन ठीक है आई मतलब होगा इम्यूनोगलोबिन और टी मतलब होगा थ्रोमबिन देखो मैं आपको यहाँ पे ट्रिक्स भी बता जा रहा हूँ क्योंकि यार आपको अच्छे से याद हो जाए तो आप ट्रिक्स के बेसिस पे इसको आराम से याद कर सकते हो ठीक है और यहाँ पे जो सेवेंथ है यार वो है अपना स्ट्रेस रिस्पांस प्रोटीन ठीक है जो स्ट्रेस रिस्पांस प्रोटीन होता है यार एक कौन से होते हैं जैसे कि अपना मान के चलो कि साइटोप्लाज्म ठीक है साइटोप्लाज्म पी फोर फाइव जीरो ठीक है साइटोप्लाज्म जो पी फोर फाइव जीरो होता है ना ये का करवाता है अपना कन्वर्ट करता है टॉक्सिक सब्सटेंट इनटू लेस टॉक्सिक ठीक है अब देखो यहाँ पे एक चीज़ की यहाँ पे गलती हुई है यहाँ पे लिखा है साइटोप्लाज्म प्लाज्मा यहाँ पर साइटोप्लाज्म नहीं होगा यहाँ पे होगा साइटोक्रोम पी फोर फिफ्टी ठीक है ना तो आपको ये गलती नहीं करनी है मैं तो देख रहा था कि आपको मतलब आप जाग रहे हो या सो रहे हो ठीक है ना तो मैं चेक कर रहा था ठीक है तो यहाँ पे आप सही कर लेना जब आपके पास नोट्स आ जाए जा तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म से हटा के यहाँ पे साइटोक्रोम कर लेना ठीक है साइटोप्लाम पी फोर्टी फाइव कुछ नहीं होता है साइटोक्रोम होता है ठीक है जो डिटॉक्सिफिकेशन टॉक्सीफिक्शन में आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा ठीक है और क्या होता है हीट शॉक प्रोटीन जिसे अपन एस एस पी भी बोलते हैं एच एस पी ठीक है प्रोटीन दैट्स आर प्रोड्यूस बाय सेल इन रिस्पॉन्स टू एक्सपोजर टू द स्ट्रेसफुल कंडीशन जब आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में आते हो ना उस टाइम पे आपकी सेल रिलीज करते हैं हीट शॉकिंग प्रोटीन्स जो कि आपके स्ट्रेस टाइम पे रिस्पॉन्स में काम आते हैं ठीक है तो यहाँ पे होता है अपना फंक्शनल क्लासिफिकेशन ख़त्म है यार अब अपना जो क्लासिफिकेशन है वो है अपना क्या मोलिकुलर बेसिस की या फिर मोलिकुलर शेप के अकॉर्डिंग ठीक है शेप के अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पे अपन तो यार जो पहला पढ़ाने वाला हूँ वो होगा अपना फाइब्रस प्रोटीन्स अब देखते हैं यहाँ पे फाइब्रस प्रोटीन्स क्या होते हैं काफ़ी डिटेलिंग में पढ़ा रहा हूँ आपको ऐसा भी नहीं कि यार हवा में उड़ा दिया अच्छे नोट्स भी ला रहा हूँ सब चीज़ें दे रहा हूँ आपको आपको बस बैठ के पढ़ना है फुल कंसनट्रेशन के साथ ठीक है फाइब्रस प्रोटीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड ठीक है स्क्लेरो प्रोटीन्स फाइब्रस प्रोटीन का एक और नाम है स्क्लेरो प्रोटीन्स आपको इसको याद करके रख लेना है दे आर इन्सॉल्यूबल फाइब्रस प्रोटीन्स आर इंसॉल्यूबल ठीक है हाई मोलिकुलर वेट हाई मोलिकुलर वेट ठीक है यहाँ पे आपको याद करना है ठीक है फाइबर्स आर लॉन्ग एंड थिन फाइबर्स क्या होंगे यहाँ पे आप देख रहे हो ये देखो ये फाइबर लंबा दिख रहा है ठीक है ठीक है लेकिन यहाँ पे क्या है ये पतला है थिन है लंबा है पर पतला है अब यहाँ पे बात करते हैं एक नया टर्म आता है यार एक्शियल रेशियो एक्शियल रेशियो क्या होता है यहाँ पे जो फाइबर्स होता है उसके थ्रेड का अपन रेशियो लेते हैं कैसा लेंथ बाय ब्रिथ का ठीक है तो यहाँ पर क्या होगी यार अगर लेंथ ज़्यादा है ना अपना फाइबर्स लॉन्ग है थिन है पतले हैं तो क्या होगा इसमें लेंथ होगी ना यार वो क्या होगी ज़्यादा होगी और जो ब्रिथ होगी ना वो क्या होगी कम होगी अगर ब्रिथ कम होगी लेंथ ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि जो टेंथ से ज़्यादा ही आने वाला अपना एक्सियल रेशियो किसके लिए फाइब्रस प्रोटीन के लिए लेंथ ज़्यादा है ब्रिथ कम है अगर ब्रथ कम है तो ऊपर वाली लेंथ की वैल्यू ज़्यादा है नीचे वाली कम है तो डिवाइड करने में क्या आएगा फाइनली ज़्यादा ही आएगा ठीक है इतना अपने को समझ आता है अब इसमें अपन इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं यार जिसका एग्जांपल है ठीक है फाइब्रस का वो अपना कैरेटीन ठीक है ऑफ स्किन हेयर एंड नेल स्किन हेयर एंड नेल में जो कैरेटिन होता है ठीक है वो अपना फाइबरस होता है ठीक है इलास्टिन ठीक है फाइबरस होता है और कॉलेजिन भी क्या होता है अपना फाइबरस तो आप ये याद कर लेना है बिल्कुल ठीक है अब बात करते हैं ग्लूबलर प्रोटीन की ग्लूबलर प्रोटीन नाम से ही समझ में आ रहा है कि यार स्पेरिकल या ओवर्ड शेप की बात कर रहे हैं पे ठीक है तो यार इनको अपन और क्या बोल सकते हैं स्पेरो ठीक है स्पेयर है तो स्पेरो प्रोटीन्स ठीक है मतलब कि सर्कुलर प्रोटीन टाइप में ठीक है सोलिबर प्रोटीन्स होते हैं ये ठीक है लो मोलिकुलर वेट होता है इनमें ठीक है और इनका एक्जियल रेशियो होता है नार ना वो दस से कम होता है दस से कम कब होगा क्यों क्योंकि यहाँ पे इसकी लेंथ और ब्रेथ होती है ना यार वो मतलब कि अपन ऐसा बोल सकते हैं जिसकी ब्रेथ है ना वो ज़्यादा होगी ठीक है या फिर थोड़ी बहुत स्लाइटली कम होगी लेंथ से स्लाइटली कम ठीक है ज़्यादा भी कम नहीं स्लाइटली कम तब जाके अपना क्या होगा टेंथ से कम आएगा अपना एक्जियल रेशियो ठीक है इसके एग्जाम्पल क्या होगा अपना एल्युमिन होगा ठीक है एल्युमिन आ गया ग्लोबिलिन हो गया हिस्टोन हो गया एक्टिन हो गया ट्रोपोनिन हो गया और प्रोटामाइन हो गया ठीक है इतना आपको याद करके रख लेना है ठीक है इन सारी के लिए ट्रिक्स बना लो अपने को वैसे ही पता है एल्युमिन ग्लोबिलिन क्या है प्लाज्मा प्रोटीन है यार तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे ठीक है अब चलते अपन आगे अब पढ़ते अपन इसका क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे पढ़ेंगे अपन अब अपन ने क्या 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 पढ़ा था किस किस के बेसिस पढ़ा था फंक्शन के बेसिस पढ़ा था अपन ने मॉलिकुलर शेप के बेसिस पर पढ़ा था है, या फिर साइज़ बोल सकते हो ठीक है और जो लास्ट था यार अपना वो था अपना कंपोजिशन कंपोजिशन में आपको यहाँ समझना है मेनली ठीक है अच्छे से समझना है धीरे धीरे समझाऊंगा वीडियो को कोई ज़्यादा लंबी भी नहीं खींचूँगा ठीक है ना ज़्यादा शॉर्ट करने वाला मैं ठीक है तो अब आप यहाँ पर देखिए अपने को ना इसमें तीन ग्रुप्स में डिवाइड करना है ठीक है पहला होगा सिंपल प्रोटीन नाम से ही समझ में आ रहा है सिंपल मतलब साधारण सुंदर सुशील क्योंकि सिंपल जो चीज़ होती है वही सबसे ब्यूटीफुल होती है ठीक है सेकंड देखो कंजुगेटेड प्रोटीन और जो थर्ड देखो वो है ड्राइव प्रोटीन ठीक है तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना सिंपल प्रोटीन से यार अब यहाँ पे देखना आप जो सिंपल प्रोटीन होता है यार ये क्या होते हैं अगर आप प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करवा रहे हो मतलब कि जो लिंकेज अमीनो एसिड्स की आप उनको तोड़वा रहे हो तो सिर्फ आपको क्या ही मिलेगा सिर्फ अमीनो एसिड्स ही मिलेंगे क्यों क्योंकि जो सिंपल लिपिड्स होते हैं वो सिर्फ अमीनो एसिड्स से ही बने होते हैं ठीक है इतना अपने को समझ आता है सब क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर स्टेबिलिटी एंड हीट काग्युलेबिलिटी ठीक है मतलब कि अपन इनको और सब क्लासिफाई कर सकते हैं किसके बेसिस पे सॉल्युबिलिटी के बेस पे ठीक है एंड हीट काग्यूलेबिलिटी मतलब कि कोगुलेशन ठीक है हीट की वजह से जो कागुलेट हो जाते हैं ना उसके बेसिस पे तो इस विशेष वन को डिफाइन करते हैं तो यार इसमें अपना पहला आता है एल्ब्यूमिन ठीक है एल्ब्यूमिन की बात करेंगे अपन यहाँ पे तो यार एल्ब्यूमिन क्या होता है सॉल्युबल इन वाटर वाटर में क्या होता है सॉल्युबल होता है क्यों होता है सॉल्युबल यार क्योंकि जो एल्ब्यूमिन होता है ना आपको पता है कि जब अमीनो एसिड्स का चेन बनता है तो वहाँ पर क्या होता है एक साइड एन टर्मिनल होता है और एक साइड होता है सी टर्मिनल ठीक है तो वहाँ पर क्या होता है चार्जेस होते हैं इस वजह से वो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है पोलर में ठीक है कॉगुलेट बाय हीट कागुलेट कर जाता है हीट से द्वारा ठीक है डिफिशियंट इन ग्लाइसिन इसमें क्या होता है यार एल्युमिन में ग्लाइसिन कम होता है डिफिशियंट होता है ठीक है जैसे कि अपना एग्जाम्पल बताऊँ मैं आपको एग का एल्यूमिन ठीक है ठीक है और सेकेंड है अपना क्या लैक्टा ठीक है लेक्ट एल्यूमिन ठीक है जो अपना मिल्क में पाया जाता है लैक्ट एल्युमिन ऑफ मिल्क ठीक है सेकेंड है यार अपना ग्लोबिलिन ठीक है ग्लोबिल्स अपने क्या थे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर थे ठीक है इंसॉल्यूबल इन वाटर ये क्या होगा इंसॉल्यूबल ठीक है हीट कागुलेट हीट काग्यू मतलब हीट से क्या हो जाएगा कागुलेट हो जाएगा बट क्या होगा ग्लोबिन इनसॉल्यूबल और एल्बिन के होते हैं सोल्यूबल ठीक है एग्जाम्पल सीरम ग्लोबिन ठीक है जो नॉर्मल सीरम में होता है ठीक है और जो लेग्योमस लेग्यूम्स होते हैं ना लेग्युमस ठीक है जो भी अपने क्या प्रोटीन है जो कि अपने किस्म पाया जाएगा पी या जो मटर होती है यार उनके जो प्लांट्स होते हैं उनको लेग्युमिन्स बोलते हैं ठीक है और उन्हीं के अंदर जो प्रोटीन पाया जाएगा ग्लोबिल्स ठीक है उसी को अपन क्या बोलेंगे लेग्युमिन्स ठीक है इतना अपने को आता है अब बात करते हैं जो अपना है हिस्टोन हिस्टोन क्या होता है अपना प्रोटीन होता है सोल्यूबल होता है वाटर में बट नॉट कागुलेटेड बाई हीट हीट के थ्रू कागुलेट नहीं होता है ठीक है बेसिक प्रोटीन्स होते हैं ठीक है रिच इन बेस एंड अमीनो एसिड्स आपको पता होगा यार जब अपन पैकिंग ऑफ डी एन ए पीक पैकिंग ऑफ डी एन ए आपने पढ़ा होगा ट्वेल्थ क्लास में ठीक है तो उसमें क्या होता है यार कि जो हिस्टोन ऑक्टामर रहता है उसके अराउंड डी एन ए क्या करता है रैप करता है ठीक है तो उसके अराउंड अगर रैप करता है यार तो वहाँ पर क्या होगा अपने को पता है कि डी एन ए बहुत स्टेबल होता है हीट की वजह से भी जब अपन ने बहुत सारे प्रिंसिपल पढ़े थे ठीक है तो वहाँ पे जो माइस वगैरह थे वो फिर भी नहीं मर रहा था ठीक है क्यों क्योंकि यार जो डीएनए की स्टेबिलिटी है वो काफ़ी होती है ठीक है और उसी के साथ जो हिस्टोन होता है ना उसकी भी स्टेबिलिटी होगी तभी तो वो क्या डीएनए एन ए वगैरह वो क्या होगा वहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है टूट नहीं रहा है क्यों क्योंकि अगर हिस्टोन ही टूट जाएगा तो डीएनए भी मतलब कि बिखर जाएगा इतना आपको समझ में आ रहा होगा तो इसलिए वहाँ पे हिस्टोन्स को भी ऐसा बनाया जाता है कि वो हीट के थ्रू कोक्युलेट ना हो पाए ठीक है अब आगे चलते हैं जो अपना लास्ट बचा है वो अपना है कंजुगेटेड प्रोटीन्स ठीक है सेकेंड है अपना कंजुगेटेड प्रोटीन यहाँ पर क्या हो रहा है कंजुगेशन हो रहा है ठीक है कंपोस्ट ऑफ सिंपल प्रोटीन कम्बाइन विद सम नॉन प्रोटीन सब्सटेंट यहाँ पे करो कंजुगेशन हो रहा है तो एक तो प्रोटीन होगा अपना और जो दूसरा होगा ना जो उसके साथ कंबाइन कर रहा है कंजुगेट कर रहा है वो अपना नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस होने वाला है ठीक है जैसे कि नॉन प्रोटीनियस में क्या क्या आ सकता है ठीक है जैसे अपन मान सकते हैं कि नॉन प्रोटीन ग्रुप इज रेफर्ड एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप उसको अपन प्रोस्थेटिक ग्रुप मान सकते हैं ठीक है अब यहाँ पे देखते हैं अपन कुछ एग्जाम्पल्स ठीक है न्यूक्लियो प्रोटीन्स ठीक है न्यूक्लियो प्रोटीन्स मतलब क्या प्रोटीन है और न्यूक्लियो है मतलब कि यहाँ पे क्या होंगे न्यूक्लिक एसिड्स होंगे ठीक है जैसे कि अपना क्या होगा ऐसे मान चलो हिस्टोन क्या है अपना प्रोटीन है ठीक है बेसिक प्रोटीन है इतना अपने को समझ में आता है हिस्टोन ठीक है इसके साथ क्या जुड़ा रहता है डी और आर तो उसको अपन क्या बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन्स क्या होता यार? है यार ऐसे मान चलो हिस्टोन है ठीक है हिस्टोन है तो हिस्टोन क्या करता है यार हिस्टोन के ना ऑक्टामर के अराउंड का होता है डी एन ए से रैप करता है तो क्या होता है इस पूले को क्या बोल जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे न्यूक्लियो प्रोटीन्स ठीक है ये तो अपने को समझ में आ गया क्योंकि उसके अराउंड क्या हो रहा है वो अपना डी आ गया ठीक है और देखते आएंगे ग्लाइको प्रोटीन्स ठीक है ग्लाइको प्रोटीन्स में क्या क्या आएगा अपना यहाँ पे सिंपल प्रोटीन है और उसके साथ क्या कम्बाइन कर रहा है ऐसे अपना ग्लूकोस या फिर कार्बोहाइड्रेट कोई भी ठीक है कार्बोहाइड्रेट प्लस सिंपल प्रोटीन लेके क्या बनाएंगे अपनी ग्लाइको प्रोटीन्स ग्लूकोस प्रोटीन अपन बोल सकते हैं ठीक है इसमें अपना क्या आता है इम्यूनोग्लोबिन्स आते हैं ठीक है टी एस एच एफ एस एच एंड एल एच ठीक है थायरॉय स्टूमलेटिंग हारमोन ठीक है एफ एस एच ठीक है और एल एच ल्यूटिलाइजिंग हारमोन ठीक है ये सब होगा ठीक है, है अब इसके बाद जो अपना है लास्ट उसमें क्या है अपना लिपो प्रोटीस आपको आप समझ में आ रहा होगा प्रोटीन तो है और साथ में लिपि जुड़ा रखा है इसका एग्जाम्पल क्या होगा कायलो माइक्रोन वी एल डी एल ल, एल डी एल ठीक है एच डी एल लिपो प्रोटीन्स का मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है यार आप जाइए ठीक है प्ले लिस्ट में जाना आप जहाँ पे मैंने आपको लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म पढ़ा रखा है उसमें सेपरेट वीडियो लिपो प्रोटीन्स के ऊपर बनाइए उसमें आपको सारे लिपो प्रोटीन्स बताए मैंने कायलो माइक्रोन वी एल डी एल ठीक है एल डी एल एच डी एल एंड फ्री फैटी एसिड्स के बारे में सब बता रखा है आप वहाँ पर जाके देख सकते हो अब आगे बात करते हैं अपन ड्राई प्रोटीन्स के बारे में ये अपना लास्ट प्रोटीन का है ठीक है यहाँ पे अपन देखेंगे ड्राइव ड्राइव का मतलब क्या हो रहा है किसी चीज़ से बनाया जा रहा है ठीक है ऐसे मान चलो सब्सटांस ठीक है सब्सटांस फॉर्म्ड फ्रॉम सिंपल एंड कंजुगेटेड प्रोटीन कोई भी सब्सटांस है जो सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन से बनाया जा रहा है ठीक है इसको अपन सब डिवाइड कर देते हैं टू पार्ट्स में एक तो होता प्राइमरी है प्राइमरी ठीक है ड्राई प्रोटीन और सेकंड होता है अपना सेकेंडरी ड्राई प्रोटीन ठीक है जो प्राइमरी ड्राई प्रोटीन होते हैं इसको वो क्या होती है अपने डी ठीक है डी होते हैं प्राइमरी को बोलेंगे अपन डी प्रोटीन ठीक है आगे देखते हैं प्रोटीन्स ड्राइव डेरीवेटिव्स ठीक है जो प्रोटीन डेरीवेटिव्स आर फॉर्म्ड बाय एजेंट्स सच एज हीट एसिड्स एंड एल्कलीज मतलब कि यहाँ पे जो प्राइमरी बनने वाले अपने डाइट प्रोटीन्स क्या होते हैं जो नॉर्मली प्रोटीन्स होते हैं उनके साथ अगर हीट हो जाए या एसिड दे दिया हाई एसिड एसिडिक या फिर हाई बेसिक कंडीशन दे हाँ दी तो वहाँ पे क्या होता है जो प्रोटीन्स होते हैं ना नॉर्मल स्ट्रक्चर में उनका वहाँ पर क्या हो जाता है डीनेचुरेशन मतलब कि वो अपने ऑरिजिनल स्ट्रक्चर से टूट के ना डिफरेंट स्ट्रक्चर में जाते हैं ठीक है डीनेचर हो जाते हैं ठीक है उसी को बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इसके लिए भी मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो लाऊंगा यार सेपरेट वीडियो डालूंगा इसके ऊपर डी नेचर ऑफ़ प्रोटीन के ऊपर ठीक है डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इसमें एग्जाम्पल देखिए आप प्रोटीन्स ठीक है प्रोटीन्स होते हैं ना यार ये क्या है होते हैं अर्लीएस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन ठीक है प्रोटीन बनने से पहले का प्रोडक्ट होता है अपना क्या प्रोटीन्स ठीक है और जो मेटा प्रोटीन्स होते हैं ना ये क्या है होते हैं फर्दर एक्शन ऑफ एसिड्स ठीक है एंड एल्कल एल्कलाइस मतलब बेसिक ठीक है ऑन प्रोटीन्स जब प्रोटीन्स के ऊपर अगर अपन और ठीक है और अगर एसिड या बेसिक कंडीशन डाल देते हैं एक्शन करवा देते हैं उस वैसे जो फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं अपन मेटा ठीक है मेटा प्रोटीन्स इतना आपको याद रखना है ठीक है अब देखते हैं अपन सेकेंडरी ड्राइव प्रोटीन ठीक है सेकेंडरी ड्राइव प्रोटीन क्या होते हैं प्रोग्रेसिव हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ पैप्टाइड बॉन्ड ठीक है ऑफ मेटा प्रोटीन्स जो मेटा प्रोटीन्स होते हैं ना उनकी भी ठीक है बीच में जो अमीन उन मेटा प्रोटीन्स होंगे अमीनो एसिड से बने होंगे तो उनकी बीच में जो पेप्टाइड बोंड होगी ना उस बैंड बोंड को ना अपन क्या करेंगे वहाँ पे तोड़वा के ना और जो बनेगा वहाँ पे ठीक है प्रोडक्ट बनेगा उसी को बोलेंगे सेकेंडरी ड्राइड प्रोटीन मतलब कि मेटा प्रोटीन्स के भी बीच में क्लीवेज करवाना है अपने को उसके अमीनो एसिड्स को तोड़ना है और उसके बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा ना उसी को बोलेंगे अपन सेकेंड ड्राइड प्रोटीन्स ठीक है अब इसके एग्जाम्पल क्या है ठीक है प्रोटीओसिस ठीक है पेप्टोन्स एंड पेप्टाइट्स ठीक है और जो पेप्टाइड्स हैं ना यार पेप्टाइट्स क्या होते हैं सिर्फ पाँच से दस यहाँ पर अपन बोल सकते हैं मतलब कि पाँच से दस मैक्सिमम अमीनो एसिड्स मिलकर जो बनाते हैं ना प्रोटीन उसी को बोलते हैं अपन पेप्टाइड्स पेप्टाइड्स मतलब कि शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है अमीनो एसिड्स का जिसमें पाँच से या दस अम्यूनो एसिड्स ही होते हैं पेप्टाइड्स के ऊपर भी मैं यार आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा उसमें आपको बताऊँगा पेप्टाइड्स के बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ठीक है तो यार आप मेरे चैनल पे बने रहिए जितना ज़्यादा हो सकता है आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ क्योंकि सबकी हेल्प हो सके सारे बच्चों तक तो पहुंच सके मैं ये चाह रहा हूँ कि यार सबके लिए ना बाप्टी काफ़ी इजी हो जाए कंसेप्ट समझ में आ जाए नोट्स अगर सबके पास पहुँच जाते हैं ना यार तो क्या होगा बच्चों की काफ़ी हेल्प हो जाएगी जो बच्चे कुछ नहीं पढ़ते हैं ना यार साल भर फिर वो लास्ट में ना पूरी बुक उठा के बैठते हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ना है ठीक है काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको नोट्स भी दे रहा हूँ ठीक है आप आइए मेरे चैनल पे वीडियो देखिए उसके बाद आप नोट्स को रीड करिए ठीक है, है और जो नोट्स हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ और उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देता हूँ तो आप लिंक वहाँ से ले सकते हो और नोट्स लीजिए यार उनसे पढ़िए ये आपके बेनिफिशियल के लिए बनाया गया चैनल यार आप लोगों को कहीं ना कहीं से इससे प्रॉफिट मिले ठीक है एग्जाम में कहीं ना कहीं मिले क्योंकि यार अगर कुछ भी गलती होती है ना अगर अपना एग्जाम थोड़ा बहुत भी खराब होता है ना तो यार बाद में इतना बेकार लगता है ना यार कहीं लटक ना जाए इस सब्जेक्ट में अपन ठीक है नहीं तो फिर से अपने को पाँच छः महीने के लिए फिर मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके अपना फर्स्ट ईयर क्लियर होगा तो इसलिए यार फर्स्ट ईयर को थोड़ा सीरियस भी लेना है अपने को ठीक है थोड़ा सीरियस ले और थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलना है ठीक है ऐसा नहीं कि एक दिन में सारा पढ़ लोगे थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो इससे क्या होगा कि सब्जेक्ट आपका थोड़ा फैमिलियर हो जाएगा मतलब आप उसको समझ पाओगे वो आपको समझता है कि नहीं समझता है दैट्स नॉट अ मैटर ठीक है आप उसको समझने लगोगे तो बाकी अच्छे से पढ़ाई करिए हार्ड वर्क करिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग